हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब है कि जो बीम है वो सभी जगह पर उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, इक्वल हो। अब इसका मतलब आप पहले समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई कैंटिलीवर बीम है। सपोज यू आर हैविंग अ कैंटिलीवर बीम जिसके एंड पॉइंट पे, फ्री एंड पे एक लोड लगा हुआ है W। अब इस जो ये बीम है इसकी तीन डायमेंशंस होंगे। मान लीजिए लेंथ L है। अब क्रॉस सेक्शन को समझिए। मान लीजिए ये इसका क्रॉस सेक्शन है जिसकी विड्थ B है और हाइट इसकी या डेप्थ इसकी D है। देखिए, आप इसको ध्यान से समझिए। ये तो ठीक है, बट जो B है ना, ये परपेंडिकुलर टू द पेपर है, तो इसका डायग्राम आप ऐसे समझोगे तो आपको समझ में आएगा। सपोज इस टाइप से ये बीम है आपकी, टाइप की बीम है, ठीक है। अब यहां पर समझिए, ये तो आपकी लेंथ है L, ये वाली विड्थ होती है, जिसको जब मैं इस टाइप से डायग्राम बनाता हूं तो आपको विड्थ दिखती नहीं है वहां पर, एक्चुअल में ये होती है, ठीक है। अब आइए डेप्थ, ये वाली डेप्थ होती है आपकी, ठीक है। दिस इज डेप्थ। ये एक्चुअल में कैंटिलीवर बीम आपकी इस टाइप की होती है। जो हम W लोड दिखाते हैं वो यहां पर लगता है पूरे पे, ये W लग रहा है, ठीक है, ये इस पूरे एंड पे। तो आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई कैंटिलीवर बीम है आपकी, तो ध्यान से समझिए। तो इस कैंटिलीवर बीम पे ये तो आपका फिक्स एंड है और इस एंड पे लोड लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। यहां पर लोड लगा हुआ है फ्री एंड पे। अब इसकी डायमेंशंस को समझिए। ये तो लेंथ है, ये वाली लेंथ है कंप्लीट। अब ये क्रॉस सेक्शन को समझिए। क्रॉस सेक्शन में आपको दो डायमेंशंस दिखेंगी, ये तो डेप्थ है और ये विड्थ है। जब हम ये वाला डायग्राम दिखाते हैं तो साइड व्यू आपको दिखती है, इसलिए ये डायग्राम में आपको ओनली क्या दिखती, लेंथ और विड्थ दिखती है। सॉरी, लेंथ और डेप्थ दिखती है, विड्थ नहीं दिखती। विड्थ कहाँ दिखेगी, यहां पर। विड्थ कहाँ पर दिखेगी, यहां पर लोड लग रहा है, ठीक है। तो कंडीशन आप समझ गए हो कि कोई कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे कोई लोड लग रहा है, ठीक है, और जिसकी लेंथ एल है, डेप्थ आपकी बी है और डेप्थ डी है, और विड्थ कितनी है, बी। तो मैं इस डायग्राम को इस टाइप से शो करूंगा तो आपको समझ जाना है कि हम इस टाइप से कंडीशन को बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अब समझिए यूनिफॉर्म का मतलब क्या है। देखिए, जब आप इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो तो आपको इस टाइप से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है इसका। देखिए, ये वैल्यू कितनी होती है, W इंटू एल। यहां पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, यहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जब मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकालूंगा, देखिए आप निकालते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा वाई वाई इक्वल टू एम बाई आई। तो जब मैं सिग्मा निकालूंगा तो ये क्या होगा, एम वाई बाई आई, ठीक है। अब सिग्मा की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, मैं बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आप निकालोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, देखो यहां पर बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, जीरो, क्योंकि यहां पर मोमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो। मैक्सिमम कहां पर होगा, यहां पर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, देखो एम जहां पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि वाई डिवाइडेड बाय आई, ठीक है, ये वैल्यू तो फिक्स है, आई और वाई तो ठीक है, इसको आप चेंज ही कर सकते हैं, एम चेंज हो रहा है। तो जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं पर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगी, बेंडिंग स्ट्रेस। बट होता क्या, इसका मतलब मटेरियल वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है। बट हम बनाते कैसे, हम बनाते हैं कि हर जगह पर मटेरियल का एरिया सेम है। बट हमें बनाना कैसे चाहिए बीम को, बीम को आपको ऐसे बनाना चाहिए कि जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रही है वहां पर मटेरियल सबसे ज्यादा होना चाहिए। बट ऐसा थोड़ी है, एक्चुअल में कैसी है, एक्चुअल में इस टाइप की होती है। तो यहां पर देखिए, सभी जगह पर इक्वल एरिया है, जो बीम है वो इक्वल एरिया की बीम है। देखिए, डेप्थ भी सेम है, विड्थ भी सेम है, ठीक है।
तो इसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो है, तो फिर भी आपने इतना एरिया क्यों दे रखा है इसका। यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, जहाँ पर फिक्स है, तो जहाँ पर फिक्स है यहाँ पर सबसे ज्यादा एरिया होना चाहिए बीम का, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस को रजिस्ट करना है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा मोमेंट आएगा, मोमेंट के कारण इंटरनल सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ से होनी चाहिए। बट आपने सभी को इक्वल बना दिया, तो बेनिफिट नहीं है इसका, नॉट इकोनॉमिकल है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बनाना है तो या तो विड्थ को चेंज कर दीजिए या डेप्थ को, ठीक है, या तो आप इसको इस टाइप से बना दीजिए, इसकी डेप्थ को चेंज कर दीजिए, ठीक है, या इस टाइप से बना दीजिए, मतलब या तो डेप्थ को चेंज कर दो या विड्थ को यहाँ पर जीरो कर दीजिए। तो एक कंडीशन हम करते हैं, पहली कंडीशन होती है कीप द डेप्थ सेम एंड वेरी द विड्थ, सेकेंड केस में हम देखेंगे कीप द बाय कीपिंग द कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ विड्थ एंड चेंजिंग द थिकनेस और हाइट, ठीक है, उसको चेंज करेंगे। तो आप समझ गए हो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ऐसी बीम जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू इक्वल हो जाए सभी जगह पर, ठीक है। तो कैसे हो सकती है, अब देखिए, अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लीजिए यही एग्जाम्पल है आपका, एक कैंटिलीवर बीम हमने ली जिसकी लेंथ एल है, जिसपे डब्ल्यू लोड लग रहा है, जिसकी विड्थ बी है, डेप्थ डी है। आपसे बोला गया यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बताइए किस टाइप की होगी। आप क्या कर सकते हो, आपको एक चीज कांस्टेंट रखनी है, तो मैं यहाँ पर डेप्थ कांस्टेंट रखूंगा, विड्थ को चेंज करूंगा। चलिए क्वेश्चन को समझ गए हो आप, क्या है क्वेश्चन, इस टाइप से आएगा आपका, फाइंड द कंडीशन, फाइंड दी कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म फॉर ए बीम टू बिकम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, टू बिकम बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ फॉर ए कैंटिलीवर बीम, फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, एट द फ्री एंड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कोई कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, आप बताइए कि उसकी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, हम उसकी कंडीशन आपको देखनी है, क्या कंडीशन होगी। हम पहले तो उसको मैं मिटा देता हूं, कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या है, आप इसकी विड्थ को वेरी करेंगे और थिकनेस को सेम रखेंगे, थिकनेस को रखेंगे हम कॉन्स्टेंट। अब कैसे वेरी करेंगे वो हमें पता लगाना है। तो पहला केस क्या है, आपको थिकनेस को सेम रखना है और विड्थ को चेंज करना है, विड्थ को वेरी करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए कैसे किस टाइप से आपको करना है वो पता लगाना है, कहाँ से वेरी करें, कहाँ पर कितनी विड्थ रखें, इसका मतलब ये है कहाँ पर विड्थ ज्यादा दें, कहाँ पर विड्थ कम दें। देखिए क्या है इस केस के लिए, देखिए सबसे पहले मैं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालूंगा, क्या निकालूंगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, उसके बाद हम देखेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमें पता है, प्योर बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, इक्वल टू ई बाई आर। तो यहां से मैं ये वाली यूज करता हूं, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, एम वाई बाई आई, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि आई बाई वाई क्या होता है, जेड सेक्शन मॉडुलस पहले हम बता चुके हैं इसको, तो एम डिवाइडेड बाय जेड। तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स क्या होगा, सिग्मा मैक्स इक्वल टू एम मैक्स डिवाइडेड बाय, यहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, एम मैक्स डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि जेड तो आपका सेम रहेगा, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो
तो जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। चलो वो निकालते हैं, तो इसका जेड क्या होगा, अगर चलो थिकनेस को अब की बार हम टी मानते हैं, थिकनेस को टी मान लेते हैं, विड्थ इसकी बी है, तो देखिए क्या होगा। आपको पता आई क्या होगा इस केस में, बी टी क्यू बाय 12, वाई क्या होगा टी बाय 2, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा आई बाय वाई, दैट मीन्स बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम के लिए बी टी स्क्वायर बाय 6। तो आप उसको यहां पुट कर दो, एम मैक्सिमम डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 है, तो ऊपर पहुंच जाएगा यहां पर 6 एम। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल, अभी आपको बताया था कितना होगा डब्ल्यू इंटू एल। जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो इस टाइप से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहां पर मैक्सिमम, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपका, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ये बढ़ती जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर होगी, क्या वैल्यू होगी इसकी, ये होगा डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू इंटू एल। तो आप कर दीजिए कितना हो जाएगा, अब इसको एल नहीं करते हम एक्स में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी जगह पर आप निकालोगे, किसी भी जगह पर मान लीजिए इस पॉइंट पर निकालोगे तो एक्स हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स, तो किसी भी पॉइंट पर आप निकालोगे तो वो क्या आएगा डब्ल्यू इंटू एक्स। तो मैक्सिमम है तो हम इसको जनरल वैल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर इंटू 6, ये हो गया सिग्मा मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई। अब ये कंडीशन होती है यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की, कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, अगर बीम को मुझे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाना है तो बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप इस इक्वल टू क्या कर दो, कांस्टेंट, दैट मींस मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस शुड बी कांस्टेंट फॉर ए बीम टू बिकम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बनने के लिए उसको हर जगह पर बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू सेम रखनी होगी, तभी वो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मानी जाएगी। चलिए तो कैसे होगी, अब मैं इसको यहां पर कर देता हूं। तो मुझे एक्चुअल में ये बताना है कि B को कैसे वेरी करेंगे हम, तो ये क्या आ गया W इंटू एक्स डिवाइडेड बाई बी टी स्क्वायर इंटू 6 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए B को छोड़ दीजिए और सबको इस साइड ले जाओ, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, B को इस साइड ले जाओ और सभी टर्म्स को यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो B इक्वल टू 6 डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। देखिए 6 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू एक्स, 6 इंटू डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू क्या है, लोड है, वो कांस्टेंट है, थिकनेस अब की बार हमने कांस्टेंट रखी है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी पूरी के इंटू एक्स, क्या बन गया के इंटू एक्स। इसका मतलब आप किस टाइप से वेरी करोगे, आप लीनियरली वेरी करोगे, कैसे वेरी करोगे, लीनियरली। अगर आप अपने विड्थ को लीनियरली वेरी करोगे तो आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम मिलेगी, इसका मैं डायग्राम आपको बताऊंगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कैंटिलीवर बीम की को जिसपे पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की हम कैसे बनाएंगे अगर आपको थिकनेस को सेम रखना है और विड्थ को वेरी करना है, ये वाली कंडीशन थी। सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे विड्थ को सेम रखेंगे और थिकनेस को वेरी करेंगे। तो इतना तो हमने पता लगा लिया कि विड्थ को लीनियरली वेरी करना पड़ेगा, अब डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। बीम आपको कुछ इस टाइप की दिखेगी, ध्यान समझिए, आपको बीम किस इस टाइप की दिखेगी, ठीक है, इस टाइप का, ध्यान समझिए क्या है, थिकनेस तो सेम है, थिकनेस तो सेम है आपकी, वेरी क्या कर रहा है,
वेरी कौन सी, ये विड्थ आपकी वेरी कर रही है, थिकनेस तो सेम है, विड्थ वेरी कर रही है। मैक्सिमम विड्थ कहाँ पर है, यहाँ पर, उससे बाद उससे कम विड्थ है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, इस टाइप से आपकी विड्थ वेरी कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको विड्थ को वेरी करना है तो इस टाइप से वेरी करना पड़ेगा। अब ध्यान समझिए, अभी भी ये रेक्टेंगुलर बीम है, बीम मैंने ट्रेंगुलर नहीं बनाई है, बीम रेक्टेंगुलर। आप इसको, अगर आप इसके क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, किसी भी पॉइंट पे आप इसके क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। बीम अभी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाली है, अंतर क्या हुआ है, आपने इसकी विड्थ को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए ये वाली बीम थी हमारी, ठीक है, इस बीम कैंटिलीवर बीम थी आपकी, कैंटिलीवर बीम में अब की बार आपने क्या किया, देखो थिकनेस को सेम रखा आपने हर जगह, विड्थ को चेंज कर दिया। तो मैं यहां से समझाता हूं आपको, विड्थ देखो, विड्थ कौन सी होती है, ये वाली विड्थ होती है, ये तो थिकनेस है, विड्थ ये वाली। तो आपने यहां से ऐसे, मतलब इसको इस टाइप से काटा, ऐसे बना दिया, समझ गए आप, इस टाइप का कर दिया आपने, यहां से कट किया, यहां से कट किया, थिकनेस को सेम रखा ऐसे, ये वाली थिकनेस तो सेम रखी बट आपने विड्थ को क्या किया, चेंज कर दिया, मैक्सिमम विड्थ यहां पर रखी और मिनिमम विड्थ आपने कॉर्नर पर रखी, फ्री एंड पर रखी। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गया कि क्या है, पहली कंडीशन में हमने देखा कि किस टाइप से आप बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बना सकते हो बाय वेरिंग दी विड्थ ऑफ द बीम। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में देखते हैं, चलिए सेकंड कंडीशन है, आपसे बोला जाएगा आपकी बार विड्थ को सेम रखिए और अपनी थिकनेस को चेंज कीजिए। ठीक है, केस नंबर टू क्या है, केस नंबर टू है बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बनाइए, ठीक है, जहां पर थिकनेस को वेरी करना है, थिकनेस को वेरी करना है आपको, ठीक है, और विड्थ को सेम रखना है, विड्थ क्या रहेगी आपकी, कॉन्स्टेंट रहेगी। देखिए कैसे होगा, वही केस दोबारा से आएगा, आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को कॉन्स्टेंट बनाना होगा हर जगह पर, तभी आप उसको बीम को यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम बुलाओगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या आई थी हमारी, अभी मैंने आपको बताया था 6 M, ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं किस टाइप से आया। देखिए इक्वेशन क्या होती है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, सिग्मा क्या हो जाएगा आपका, एम वाई बाई आई या एम डिवाइडेड बाय जेड। जेड कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जेड होता है आई बाय वाई, आई क्या होगा इस केस में, बी टी क्यूब बाय 12 डिवाइडेड बाय टी बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी बी टी स्क्वायर बाय 6। ठीक है, तो यहां पर पुट कर दीजिए आप, एम डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो क्या वैल्यू आई हमारी, एम डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, तो 6 M डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर हो गया आपका, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आया। तो नेक्स्ट, अब M क्या होगा, 6 W इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, W इंटू एक्स डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर, मतलब आप एक्स पे डिपेंड करेगा किस जगह पर मोमेंट निकाल रही हो, तो लोड इंटू डिस्टेंस आपकी बन जाएगी। अब ये होनी चाहिए कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का मतलब हो गया 6 W x डिवाइडेड बाय बी टी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको थिकनेस निकालनी है तो थिकनेस को एक साइड में रख दीजिए, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका 6 W डिवाइडेड बाय बी, ठीक है, देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट के यहां पर ले जाओगे आप डिवाइडेड बाय कांस्टेंट,
ये हो गया 6W डिवाइडेड बाय B इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट को C मान लेते हैं हम, C हो गया। तो ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी, ये वाली 6W डिवाइडेड बाय B इंटू C, ये तो कांस्टेंट ही है, लोड भी कांस्टेंट है, विड्थ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो अपने आप में कांस्टेंट होता है, इंटू एक्स, इंटू क्या हो गया एक्स, तो ये आ गया आपका के इंटू एक्स। अब टी आपको बतानी है, तो टी क्या हो जाएगी आपकी, टी इक्वल टू रूट ऑफ के एक्स, रूट ऑफ के एक्स, या इसको आप बोल सकते हो के वन इंटू रूट एक्स। तो थिकनेस को कैसे वेरी करोगे आप, थिकनेस को वेरी करोगे अंडर रूट एक्स के टर्म्स में, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो आपको पता लग जाएगा कि जितनी लेंथ यहां पर है उसको अंडर रूट में आपको लेना है, ठीक है, ये वाली टर्म्स आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। तो थिकनेस को वेरी कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ के एक्स, और उसको वेरी करते हैं लीनियरली। तो इससे आपको ये पता लग गया कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कैंटिलीवर बीम का, आप सिंपली सपोर्टेड बीम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, वहां पर भी आप इसी टाइप से करोगे, एक डायमेंशन को वेरी करोगे, दूसरी डायमेंशन को आपको सेम रखना है। कंडीशन क्या है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का मतलब है कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को हर जगह पर सेम बनाना होगा, क्योंकि कोई भी बीम तभी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मानी जाएगी जब वो बीम को हर जगह पर इक्वली रजिस्ट कर सके, जो आपकी बेंडिंग को हर जगह पर इक्वली रजिस्ट कर सके, मतलब बेंडिंग मैक्सिमम जहां पर बेंडिंग हो रही है या जहां पर मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है उसको रजिस्ट कर सके। अब मोमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, बी या टी को चेंज कर लेते हैं। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर फॉर्मूला है कि अंदर एम बी और टी है, एम को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड के कारण मोमेंट आ रहा है, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम एरिया को तो वेरी कर सकते हैं। तो एरिया को इस टाइप से वेरी करना है जिससे कि ये रेशो आपका कॉन्स्टेंट हो जाए, रेशो कांस्टेंट का मतलब है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, और वही कंडीशन होती है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। थैंक यू।